परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से नेहरू पार्क में लगाई गई शहीद चंद्रशेखर आजाद की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। इस अवसर पर नेहरू पार्क में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, छोटी उम्र में ही आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था और 15 साल की उम्र में ही अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। युवाओं में ऐसी ही देशभक्ति होने की आवश्यकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि समाज में भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। 15 साल की उम्र में आप सोचिए, एक नौजवान युवा अमरीकी फौजों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए, गोली अपने आप को गोली मारने के लिए तैयार हो जाए, कितनी साहस की बात है। वो साहस हमें अपने आप के अंदर ढूंढने की जरूरत है, हमारे युवाओं को ढूंढने की जरूरत है। जहां तक अलवर की बात है, मैं बहुत ही आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भी आप सब सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने अलवर की वीर भूमि के अंदर एक मूर्ति की, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति की स्थापना करी, जो इस रोड से निकलते हुए इस नेहरू पार्क के अंदर हमारे युवाओं को एक प्रेरणा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद हमेशा से युवाओं के लिए प्रेरणादायी रहे। कार्यक्रम के दौरान परशुराम कला मंदिर के कलाकारों की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय को देखकर लोगों ने आजाद अमर रहे भारत माता के जयकारे लगाए। प्रतिमा अनावरण के दौरान आचार्य गौरव शर्मा ने शंखनाद किया। इसके बाद पुष्प वर्षा करते हुए प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहां हाथों में तिरंगा लिए लोग भी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कार्यक्रम के प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि समारोह में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, अजय अग्रवाल, इंद्र कुमार तोलानी, शशिकांत बोहरा, प्रदीप आर्य, श्री किशन गुप्ता, महाराज अविनाश नागपाल आदि अतिथि के रूप में शामिल हुए। सर्वप्रथम शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं संस्था के संस्थापक रामोदार पंडित के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। समिति के संरक्षक गोपीचंद शर्मा ने अतिथियों का माल्य अर्पण कर स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष राधामोहन शर्मा ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। कार्यक्रम संयोजक अशोक आहूजा एवं कोषाध्यक्ष महेश मुदगल ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के समापन के बाद शहर विधायक संजय शर्मा भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और प्रतिमा स्थल पर शहीद आजाद की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। देखिए, आज आजाद चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि हम सब जिला वासियों को, शहर के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के अंदर की लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्र करा, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने आप के अंदर चंद्रशेखर आजाद को ढूंढना पड़ेगा। आज समाज के अंदर और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, आज उनको हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमें सोचना पड़ेगा। वैसे ऐतिहासिक दिन है आज, बहुत अच्छी प्रतिमा लगी है और जिस तरह से स्वर्गीय रामोदार जी पंडित जी ने पूरे गांव में ढानियों में जाकर और एक एक रुपया इकट्ठा करा है, किसी एक व्यक्ति ने कोई लाखों रुपए देकर ये मूर्ति नहीं बनाई है, तो उसमें सब लोगों का एक एक सामंजस्य हुआ है और सब लोग एक होकर ये मूर्ति लगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।